अकोल्यात काल सकाळपासून मुसळधार पावसाने हजेरी लावली होती। या पावसामुळे शहरासह जिल्ह्यातील नदी नाले तुडुंब भरून वाहत होते। रात्रीच्या वेळी शहरातील खैर मोहम्मद प्लॉट येथे राहणारा 10 वर्षाचा मुलगा पाय घसरून नाल्याच्या पाण्यात वाहून गेल्याची घटना समोर आली आहे। या मुलाचे नाव जियान अहमद इक्बाल अहमद असे आहे। जियान रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामध्ये खेळत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली। जुने शहर पोलीस तसेच अग्निशमन विभागाचे आपत्कालीन पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते। मात्र मुसळधार पावसामुळे बऱ्याच ठिकाणची वीज बंद असल्यामुळे अंधारात शोध मोहिमेत अडथळे येत होते। तरीही काम युद्ध पातळीवर शोध सुरू होता। महापालिकेने वेळेवर नालेसफाई न केल्यामुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे। भैया यहाँ पे क्या घटना हो गई? आज कर्म प्लांट में बहुत एक दुखद घटना हुई। एक 8 से 10 साल का बच्चा है जो शरीफ नगर चौक पर एक छोटा नाला है, उस नाले में बहुत पानी आने की वजह से बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे। उस बच्चे का पैर फिसल गया और वो बच्चा पानी के भाव से बहता हुआ नदी में आ गया। पानी में बहने के कारण यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पानी का भाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो नदी में उतर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। ये नाला बहुत छोटा था और इस नाले में हमारे एरिया का ही पानी यूज होता था, लेकिन नाला कैनाल की तरफ से पलटाने के कारण शिवसेना वसात की तरफ से नाले में पानी आता है और नाला छोटा होने से पानी को जगह नहीं मिलती है, जो पूरे एरिया में घरों तक पानी चला जाता है। इसके पहले जो नाला था वो नाला अच्छा काफ़ी बड़ा था, लेकिन महानगर पालिका के प्रशासन और ठेकेदारों ने उस नाले की मापपोच किस तरह की है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उस बड़े नाले को छोटा कर दिए, छोटा नाला होने के वजह से पानी पास नहीं हो रहा है और रोड पर घर तक पानी जाने की वजह से ये दुर्घटना घटी। अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करे कि ये नाला छोटा क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जिन लोगों ने ये धोखाधड़ी की है नाले के बारे में, उन पर गुना दाखिल होगा और प्रशासन ये नाला तोड़कर बड़ा नाला करना चाहिए। नहीं तो मैं वंचित भोजन अघाड़ी का शहर प्रमुख आकोला का कलीम खान पठान, मैं बहुत बड़ा एक आंदोलन करूंगा और महानगर पालिका में मोर्चा ले जाऊंगा। आता आगीची भीती कशाला? अथर्व एंटरप्राइजेस घेऊन आला आहे आगीपासून बचाव करण्याकरिता अग्निरोधक चेंडू अगदी मोजक्या दरात। कुठे शॉर्ट सर्किटमुळे तर कुठे याच्या स्फोटमुळे तसेच अग्निशील द्रव्यामुळे आग लागण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असतात। हा अग्निरोधक चेंडू आपण आपल्या किचनमध्ये तसेच आपल्या खासगी ऑफिसमध्ये, पेट्रोल पंपावर, शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये, कपड्याच्या दुकानांमध्ये, मॉलमध्ये तसेच आपल्या 4 चाकी वाहनांमध्ये ठेवू शकता किंवा लटकू शकता। अग्निरोधक चेंडू आगीने टच करतात हा बोल अगदी 3 ते 5 सेकंदात फुटून 10 बाय 10च्या रूमची आग विझवतो। आगीपासून होणाऱ्या घटनेपासून बचाव करतो, घटना लगेच टाळतो। अकोला जिल्ह्यात अकोला शहराकरिता अग्निरोधक करिता मार्केटिंग तसेच कमिशन बेसवर मुले मुली नेमणे आहेत। अधिक माहिती करिता संपर्क अथर्व एंटरप्राइजेस, श्री साई गजानन लॉन, बाळापूर नाका येथे संपर्क साधावा। मोबाईल नंबर 9422162696 आणि 8830046722। जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817।